नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थ आवाज। विश्वव्यापी महामारी कोरोना वायरस के कारण लगी लॉकडाउन के तहत जनसेवा ग्रुप मनोहरपुर के शिक्षित युवाओं ने भी गरीब असहाय दिव्यांग लोगों को राशन सामग्री प्रदान कर सहयोग किया। ये हम लोग मनोहरपुर से हैं। बेसिकली ये लॉकडाउन के अंतर्गत जो ये महामारी फैली हुई है कोरोना वायरस की, तो इसके अंतर्गत जो ऐसा ही मजदूर है, जो दहाड़ी मजदूर हैं, इनके लिए एक ऐसा है राशन का जो सामान है वो हम लोग उपलब्ध करवा रहे हैं, क्योंकि ये जो है इन रोज़मर्रा की इनके पास सामान उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। ये बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। जो धनाढ़ लोग हैं उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो दिहाड़ी मजदूर हैं इनके लिए एक जीने मरने की ये बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है। इसलिए हम लोग कैसा राशन का सामान इनके द्वार तक पहुंचा रहे हैं, इनकी मदद कर रहे हैं और इनको हमारा नंबर भी दे रहे हैं। इन आगे भी अगर इनको कोई परेशानी है तो भी हम लोग इनकी समस्या का समाधान करने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। ये हमारे भाई हैं चारों पांच, हम लोग हम तन मन धन से हम इनके ऊपर लगे हुए हैं। किसी भी तरीके की कोई भी समस्या है हम जरूर पूरी करेंगे। धन्यवाद। जो मुहिम चला रखी है इसमें कोरोना वायरस के टाइम में जो जरूरतमंद लोग हैं उनकी हम सेवा करते रहेंगे, और मैं सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि वो भी हमारा सहयोग करें और खुद भी आगे आए। मैं और मेरी टीम के साथी द्वारा जो भी इस कोरोना वायरस के समय लॉकडाउन के टाइम में ऐसा है लोग जो दहाड़ी मजदूरी पर रहते थे, उन लोगों को हम 5 किलो आटा, 1 किलो दाल, 1 किलो तेल, हल्दी मिर्ची इनकी सुविधा मुहैया करा रहे हैं। इसके लिए और भी लोग हमारे साथ जुड़े और ये सब कुछ करके हम लोगों को भूखा नहीं सोने देंगे और आगे भी करते रहेंगे। इस सप्ताह का हम वितरण कर रहे हैं आज, और अगले सप्ताह का भी 5-6 दिन बाद में वितरण करेंगे। जय राम जी। यह महामारी जब तक समाप्त नहीं हो जाती तब तक हर हफ्ते यह मुहिम जारी रहेगी। बाबे जुबानों को भी रोजाना सुबह 10 किलो केले खिलाए जा रहे हैं। इस मुहिम में कस्बे की भामाशाहों ने भी सहयोग किया, जिसमें माता दीन गुर्जर, विजय गुर्जर, धर्मवीर गुर्जर, महेश गुर्जर, पूरण जांगीर, रजत जांगीर, सुभाष मीणा, विनय मीणा, महेंद्र खाजोतिया, नरसी यादव, बाबूलाल गुर्जर, अतुल बुटोल, राजेश गुर्जर, शेखावाटी होटल, राकेश कुमार, मनोज कुमार आदि ने सहयोग किया।